अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, यहाँ पर हम जो इवन और ऑड फंक्शन है उनकी कुछ एग्जांपल्स मजीद डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे पास ना तो इवन होते हैं ना ऑड होते हैं, तो यहाँ क्लेरिफाई करने के लिए हम एक एग्जांपल जो है मजीद इसको देख लेते हैं। सो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं। अच्छा, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x4 माइनस 2x² प्लस 7। ठीक है, हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये इवन है या ऑड है। तो उसके लिए मेथड वही है कि आपने x की जगह माइनस x पुट करना है। तो x की जगह माइनस x पुट करने पे 3 माइनस x रेज टू द पावर 4 माइनस 2 माइनस x² प्लस 7। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3। यहाँ देख सकते हैं जो पावर है, इंडेक्स जो है, अब वो हमारे पास इवन है, तो जब इवन होता है तो माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स की पावर 4, एक्स 4 आ जाएगा। माइनस 2, यहाँ पर भी वही रीजन है कि पावर इवन है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7 आ जाएगा। तो देखिए, जब मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया तो ये तो वही चीज आ गई है, 3x4 माइनस 2x² प्लस 7, 3x4 माइनस 2x² प्लस 7। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर होगी, पहले भी इस तरह की एग्जाम्पल ली है हमने, थोड़ी सी डिफरेंट ली है ताकि आपको मजीद क्लियर हो सके। सो जो फंक्शन है एफ इज एन इवन फंक्शन होगा। ठीक है, ये क्या आ गया, ये जो फंक्शन है ये हमारे पास इवन फंक्शन आ गया। अच्छा जी, इसी एग्जाम्पल का सेकंड जो पार्ट है उसमें हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये इवन है या ऑड है, या इवन ऑड दोनों में से कोई भी नहीं है। तो पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इन फंक्शन, सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस 3x माइनस एक्स का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस को मैं यहां लिख सकता हूं 3x ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस, ये चेक करें किसकी इक्वल आ रहे, 3x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये अगेन एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल आ गया। तो यहां से इसका क्या मतलब हो, ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो एफ इज एन ऑड फंक्शन। तो फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, ऑड फंक्शन आ गया। थर्ड पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल विल बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा, अब हम इसको चेक करना चाह रहे हैं कि ये इवन है ऑड है। तो पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन माइनस एक्स प्लस कॉस माइनस एक्स। ठीक हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, आपके बात पता है कि जो साइन होते हैं वो माइनस को बाहर निकाल लेगा, तो ये माइनस साइन एक्स, और कॉस के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो वो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां मैं कॉमन लेट से नहीं लेता, ठीक है, अगर मैं कॉमन, तो ये दोनों के ये इसमें आप चले इस तरह से लिख लेते हैं कि ये तो ना प्लस एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ रहा है और ना ये माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ रहा है। आप चाहे माइनस कॉमन लें या ना लें, दोनों केसेस में जो फंक्शन है वो इसकी इक्वल नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा कि जो नीदर ऑड होगा और ना ही इवन। सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज नीदर इवन नॉर ऑड।
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ऐसा एक फंक्शन आ गया जो कि ना तो इवन है और ना ही ऑड है। तो उम्मीद है कि ये जो इवन और ऑड वाला टॉपिक है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो टॉपिक है ये यहीं पे हम कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जी हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अच्छा स्टूडेंट, जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है ये बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें दो फंक्शंस मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो दोनों फंक्शन मिलकर जब काम करते हैं तो एक नया फंक्शन आ जाता है जिसको हम कहेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक हो गया। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर देता हूँ आपको समझने में आसानी के लिए। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोग्रेशन ऑफ, बिल्कुल मतलब डेली लाइफ में जिस तरह हम कोई बात करते हैं या कोई काम दो लोग मिलकर काम करते हैं तो उसी तरह जैसे वो टीम बन जाती है, इसी तरह दो फंक्शंस को जब इकट्ठा यूज किया जाता है तो वो एक टीम बन जाती है फंक्शंस की, जिसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैन बी डिस्क्राइब एज अ प्रोग्रेशन ऑफ गेटिंग गेटिंग एंड गेटिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ एंड ड्रॉपिंग ऑफ। ठीक हो गया। तो सिंपल क्या है, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोग्रेशन ऑफ गेटिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ। ठीक है, तो ये मैं आपको मजीद आगे जाके समझाऊंगा साथ साथ। अच्छा जी, जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट होगा कि अ फंक्शन गेट्स एक्स डज समथिंग फॉर इट एंड ड्रॉप्स इट ऑफ एंड ड्रॉप्स इट ऑफ। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो वीडियो है यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।